कोलैबोरेशन करनी है भाई। मैंने इससे अच्छा टीवी पर लाइव परफॉर्मेंस अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। नेक्स्ट आ रहे हैं रैपर्स को ब्रेकफास्ट में खाने वाले हमारे इन हाउस बकासुर नैज मेरा भाई। एंड विथ हिम इज अ वेरी सुप्रीमली टैलेंटेड फेमसी। से कॉल्स आते हैं छोटा डॉन से लेके भगवान तक, सृष्टि नहीं तो कौन बे। हसल कर तू हसल कर, वी हसल हार्ड। सृष्टि और नैज, कैसा एक्सपीरियंस था ये कोलैबोरेशन जब हो रहा था? सर टू बी ऑनेस्ट इससे ही पूछ लो। ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे को समझा नहीं मेरे को इसके साथ काय के लिए डाला। हां सेम एग्जैक्टली। मैं भी कोई खुश नहीं हो गया तेरे साथ कोलैब करके। इनकी यही नहीं बन रही है कैसे करेंगे। अच्छा कैसे कैसे तो लिखा है हम लोग ने। कैसे कैसे लिखा है? कैसे मतलब नहीं हो रहा था हम लोग का। हाँ। कैसे तो करके लिखा है अभी तो सुन लेते हैं। सुन लेना चलो। Toward left, weighing in at 176 pounds, Nihar Hudur Hudur Naz. Toward right, out of nowhere, Srishti. इसके आगे भी कुछ है क्या? Srishti. Srishti, इसको कौन लाया अभी इधर? अभी मैं इससे लड़ेगा क्या? चल. मुझे घर जाना है. Srishti, confidence. Hello, madam. पहचान कौन? बोले तो मोटा डॉन। अभी मैं तेरे को बताता है असली डॉन इस शो का कौन। इसने पूछा मैं नहीं तो कौन थे, इसको दिखता नहीं मैं हूँ वो जॉन। ए सुने इसके गाने और हुआ मेरा टाइम पेश। गाने में रैप कम और ज्यादा रखती कॉन्सेप्ट। तीन भी नहीं डायरेक्ट टीवी पे आती हूँ और दुनिया सुनती भले कैसे भी गाती हूँ। मजा आएगा ना जब तू होगा रोस्ट मेरे दोस्त, और मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहती हूँ। देखा अपना रेफरेंस गेम किक है, इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ रे। फुल फैज अहमद फैज, नहीं तो ये वेटरन रैपर 100 गाने लिखे। टॉपिक एक नैज। भाई मंत्रमुग्ध कर दिया यार मेरे को। क्रेजी था भाई। सृष्टि कोलैबोरेशन करनी है भाई। नेक्स्ट लेवल काम यार। फीमेल वर्जन लग रहा है भाई यहाँ पे। कोलैबोरेशन पक्का यार हमारी। डन। मैंने इससे अच्छा टीवी पर लाइव परफॉर्मेंस अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। Thank you. भाई ये दो तीन और ले, इससे साफ नहीं होगा जो बैंगर की है। बैंगर भी कोलैब है। Thank you, भाई। ये क्या देखा मैंने? कैसे मतलब कैसे किया? सृष्टि कितने टाइम में लिखा है तुम दोनों ने? ये परसों लिखा। हाँ। फिर कल गाना बन गया मतलब। हाँ। फिर हम लोग इतने मतलब कंटाल गए थे ना दिन भर से, तो उन्होंने नहीं किया प्रैक्टिस। सच्ची सच बोल रही है। ऐसा था कि पहले हम लोग एक अच्छा लाइक फन ट्रैक सी कोलैब करने वाले थे, बट हम लोग ने दो तीन गाने बनाए बट वो ना वर्कआउट ही नहीं कर रहे थे उतना। तो ये तुम्हें खुद वाली बात थी कि एक काम कर मैं तेरे को लोगों के दिमाग में पहले से ऐसा आइडिया था कि बेइज्जती करनी है, बोलना बोलने को ही तो दे। दोनों के दिमाग में वही था कि बेइज्जती करनी है क्योंकि कोलैब है। डिस्कोलैब हो गया, डिस्कोलैब। सब लोग बोल रहे थे ना कि लाइक शो पे डिस नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने सोचा कर देते हैं। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी वर्ड्स में जस्टिस कर पाऊंगा कितना अच्छा कलाब है। बहुत बहुत हम अब कौन सा क्षण था वो जब मैंने हसल के लिए हाँ करी थी। वाह वाह, रेडियोहिट दे देता हूँ, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, रेडियोहिट तो ले लो। थैंक यू। वाह
क्या बात है। सृष्टि का तो पहले से फैन था, बहुत मन था कोलैबोरेट करने का, क्या मस्त वाइब है। बट भाई तेरी आवाज से डिलीवरी ज्यादा, बड़ा तेरा फैन होकर निकला ना आज ब्रो। थैंक यू भाई, मजा आ गया। कंप्लीट पैकेज, एक्टिंग, एवरीथिंग परफेक्ट यार। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, मजा। सृष्टि हैज बीन प्रूविंग हरसेल्फ हर एपिसोड के अंदर, और बिग फैन ऑफ सृष्टि। ऑल्सो नैस का मैं पिछले 2 साल से फैन हूँ। अरे भाई, मतलब मैं तेरा उस टाइम से फैन हूँ ब्रो, जब मैंने तेरे गाने पे कमेंट किया था। एंड मेरे को ये लगता है कि जो तू यहाँ मुंबई में कर रहा है ना, वो मैं दिल्ली में करता हूँ, बट यू डू इट वे कूलर। मेरे को लगता है लाइक तू बहुत क्रेजी है, बहुत क्रेजी। अच्छा भाई, दिस इज द मोस्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन, नॉट ओनली इन हसल, इन माय लाइफ आई वुड से। सृष्टि मैन, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर। She is a natural, and bar pe bar us punchlines ko counter karna, it's, I mean, like only a wordsmith can do that, and she proves every episode that her pen game and lyricism is super strong. No words. Thank you. How can you not mention Naz? Obviously, I know. How can you? Aapki team ka. Kyunki मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि की तारीफ करूंगा तो डीनो भाई आपकी तारीफ करेंगे ना। वो भी कोलैब हो रहा है। थैंक यू। सरप्राइज हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अलावा कुछ और देने वाला था। सच अ गुड फीलिंग टू एक्चुअली हैव टैलेंट लाइक दिस। आई स्वेयर टू गॉड, सृष्टि तो ऑब्वियसली पीपल नो दैट यू आर अ राइटर, यू आर अ परफॉर्मर, लेकिन नैज मेरे भाई, ब्रो एक मतलब तू एट पार, यू एक इंच नीचे नहीं था। थैंक यू। फॉर सम मोमेंट मुझे लगा सृष्टि इज माय लव, शी इज अ पार्ट ऑफ माय गैंग, लेकिन एक मोमेंट मुझे लगा दैट यू आर ब्लडी ओवरपावरिंग ब्रो, बिकॉज ही किल्ड इट। एब्सोल्युटली, ये परफॉर्मेंस दी उसने, नजर ना लगे ब्रो। आई मीन बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तुम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी तक हसल के स्टेज में 2 चीजों का सबसे प्राइम एग्जांपल था ये, शोमैनशिप एंड डिलीवरी। Collaboration is when people have a direct comparison point for you, and I totally agree with Dino. I kind of felt that Naz did overshadow you at some points, but overall as a performance, aap dono ekdam takkar hi the. Zenten to hai hi, kya kare ab? Thank you so much. पहले तो तुम्हें बहुत जरूरी चीज़ है, आज दो तरीके से देंगे हम। Thank you so much. एक्ट के अंदर ये दिखाया गया कि तुम थोड़ी सी डरती हो, थोड़ी सी करना नहीं चाहती हो, बट तुम अपने साइड से बेस्ट दे रही हो, और वो ऑलरेडी उस चीज में प्रो है। बट ऑन द अदर साइड गेम एक्चुअली में स्विच है। इन रियलिटी आपका जो ए गेम है ना आज, वो ए गेम उसका था, उस इंसान का, और जो आपका ए गेम है भाई, वो आज इस लड़की का था। तो मतलब तुमने कोलैब किया, तुमने कैरेक्टर स्विच कर दिया मेरी आंखों के सामने। मैं इसलिए इतना ज्यादा अवाक हूं इस टाइम पे, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं मतलब वो चीज को लेके। नैज मतलब एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट एलिमिनेशन के बाद से, कि आई थिंक यू हैव प्रूव्ड that why you should absolutely be on this, you know, stage. Thank you. आप क्यों होने चाहिए यहाँ पर, ये आपने प्रूफ कर दिया है। यार नंबर लो यार, तुम बस खत्म करो। हाँ ये नंबर दे, खत्म करो। नंबर है ना, one of the best performance I have seen. Thank you, bye. Thank you so much. One of the best performance.